बरसाती पानी की निकासी के लिए जलकुंभी की पूरी तरह सफाई करें। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से कहा है कि बारिश के दौरान नालों में होने वाले जल प्रवाह में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न हो, जल निकासी सुगम रूप से हो व जल भराव की स्थिति न बने। इसके लिए नालों की स्वच्छता पर निरंतर नजर रखें। नालों की एक बार सफाई हो जाने के बाद भी समय समय पर नाले में आए कचरे को बाहर निकालते रहें। महापौर प्रसाद ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नालों के सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान यह हिदायत दी। निगम बरसात पूर्व नालों की सफाई का कार्य करा रही है। वार्ड 10 सीतामणि वैष्णो दरबार के पीछे स्थित नाले की सफाई का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ नाला सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस नाले में अन्य अपशिष्ट के जमाव के साथ साथ काफी मात्रा में जलकुंभी पैदा होती है, जिससे पानी का जल प्रवाह अवरोधित होता है, नाला जाम होने की स्थिति पैदा होती है। महापौर प्रसाद ने जलकुंभी को हटाने व नाले की सतह से सफाई किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर महापौर प्रसाद ने बताया कि जिला खनिज न्यास मद से वैष्णो दरबार के पीछे स्थित इस नाले को पक्के नाले के रूप में निर्माण कराए जाने के लिए कार्य प्रक्रिया जारी है। निगम के सभी 8 जोन के अंतर्गत लगभग 38 नाले हैं। इन सभी नालों की बरसात के पूर्व सफाई का कार्य निगम करती है। इस वर्ष भी इन सभी नालों की सफाई का कार्य एक बार किया जा चुका है। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार पुनः नाले की सफाई की जा रही है। जिन नालों में सफाई के बाद पुनः कचरे का जमाव हो गया है, उसकी सफाई भी लगातार कराई जा रही है। ये वार्ड नंबर 10 में ये वैष्णो दरबार के पीछे नाले का जो सफाई कार्य चल रहा है, उसी का निरीक्षण करने के लिए आए थे। सभी के साथ में इसका निरीक्षण किया गया और यहाँ जो बहुत ही खास पैमाने पे नाले की सफाई का काम जो चल रहा है, नाले में जलकुंभी पूरे जम के जाम हो गया था, उसके लिए सब श्रमिक लगे हुए सफाई के कर्मी उसको सफाई कर रहे हैं ताकि आने वाले बरसात में जल का भराव नहीं हो और निचले लेवल में जो घर बने हैं वो पानी से न डूब सके, इसके लिए नाले की सफाई चल रही है। और यहाँ के सभी निवासियों ने बताया कि इस नाले को पक्का करना भी ज़रूरी है, तो मैं उसके बारे में DMF से नाले का प्रस्ताव ऑलरेडी बन चुका है और वो प्रक्रियाधीन है, तो जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलती है तो ये रीच जो छूटा हुआ है इसको भी पक्का नाला यहाँ भी बना दिया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।